अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आई गारंटी आप लोग महीने में 15 से 20 हज़ार कमाने का एक नया रास्ता समझ पाएंगे। दोस्तों मेरा नाम है अमन जायसवाल और आप लोग देख रहे हैं एजे पोल्ट्री ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि 200 चिक्स पाल के कैसे आप लोग महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों चिक्स पालने में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और कैसे कैसे चिक्स को पाला जाता है और क्या क्या कितना कितना खर्च आता है और कितने में हम इसको सेल कर सकते हैं और महीने के लास्ट में कितना हम लोग अर्न कर सकते हैं, सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को पूरा प्लान समझाता हूँ खर्चे के साथ में। तो दोस्तों 200 चिक्स पालने के लिए सबसे पहले अगर मैं चिक्स के प्राइस की बात करूं तो मार्च के महीने में 2023 में चिक्स का जो प्राइस है दोस्तों वो 31 रुपया है। तो अगर हम लोग 200 चिक्स पालते हैं 31 रुपये के हिसाब से तो चिक्स का टोटल कॉस्ट हमको पड़ जाएगा दोस्तों 6200 रुपये। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है फीड की। तो फीड यहाँ पे तीन लेवल में खिलाए जाते हैं, पहले प्री स्टार्टर, दूसरा स्टार्टर और तीसरे नंबर पे फिनिशर आता है। दोस्तों अगर मैं प्री स्टार्टर की बात करूँ तो प्री स्टार्टर 200 चूजों के लिए 2 बैग लगेगा। पर बैग के हिसाब से दोस्तों प्राइस की बात करें तो 2300 रुपये पर बैग के हिसाब से आता है। तो 2 बैग का जो कॉस्ट हो जाएगा वो 4600 रुपये हो जाएगा। वैसे ही स्टार्टर दोस्तों यहाँ पे 5 बैग लगेगा जिसमें से पर बैग का जो कॉस्ट है वो 2250 रुपये पड़ेगा। दोस्तों इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 11250 रुपये। इसके बाद में थर्ड लेवल में फिनिशर खिलाना होता है। तो 200 बर्ड में दोस्तों आप लोगों को लगभग 7 बोरी फिनिशर लगेगा जिसका पर बैग के हिसाब से जो कॉस्ट है वो 2200 रुपये है। तो दोस्तों इसका टोटल जो कॉस्ट है वो हो जाएगा 15400 रुपया। तो इसी तरीके से चिक्स हम लोग का 6200 रुपये का पड़ा। उसके बाद में अगर मैं टोटल फीड की बात करूं दोस्तों तो ये 31250 रुपये पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जरूरत पड़ती है हमको कुछ मेडिसिन की, तो मेडिसिन का खर्चा जो मैं मान लेता हूं लगभग 500 रुपये के आसपास मेडिसिन का खर्चा पड़ेगा आपको। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे भूसी दिखाई दे रहा होगा तो इस भूसी के लिए जो खर्च आता है वो लगभग 100 रुपये आपको पड़ जाएगा 200 चिक्स के हिसाब से। तो दोस्तों इतना को अगर हम लोग जोड़ दें तो टोटल अभी तक हम लोग जो कॉस्ट लगा है वो लगा है 38050 रुपया। इसके अलावा 1000 रुपये में अदर कॉस्ट जोड़ लेता हूँ जो इधर छोटे मोटे चीजों में लग सकता है। तो सारे चीजों को मिला करके हमको जो टोटल कॉस्ट लगा दोस्तों वो लगा 39050 रुपया। तो दोस्तों 200 चिक्स को पालने में टोटल हमको इतना खर्च आ रहा है। अब मैं अगर बात करूं सेलिंग की तो जब हम लोग इन चूजों को बेचने जाएंगे दोस्तों तो मैं जितना चारा आप लोग को, जितना फीड का जानकारी आप लोग को दिया हूं, इतने फीड में जो 200 चिक्स हैं वो लगभग 2.3 केजी से लेकर के 2.5 केजी तक लगभग औसत वेट इन लोग का आ जाता है। तो दोस्तों अगर मैं कम से कम 2.3 केजी भी मान के चलूं तो 2.3 केजी के हिसाब से 200 चिक्स का जो वजन होगा दोस्तों वो 460 किलोग्राम हो जाएगा। और आज के टाइम में जो मुर्गा का थोक रेट चल रहा है वो 110 रुपये पर किलो के हिसाब से चल रहा है। तो 460 किलो मुर्गा को अगर हम लोग बेचते हैं 110 रुपये के भाव में दोस्तों तो हमको टोटल जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 50600 रुपये। और दोस्तों जो हमारा कॉस्ट लगा था, जो हमारा लागत लगा था, वो टोटल लागत था दोस्तों 39050 रुपया। तो हम लोग को मिला 50600, अगर उसमें से 39050 रुपये को घटा दें तो हमको टोटल प्रॉफिट दोस्तों 11550 रुपये हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को सिर्फ 200 चूजा पालने की स्थिति में इसको थोक के भाव में बेचने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके अपने लोकल लेवल में ही सेल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको अपने लोकल लेवल में सेल करेंगे दोस्तों तो आपको लगभग 130 रुपये से लेकर के 140 रुपये के हिसाब का भाव मिल जाएगा। और अगर आप लोग कम से कम 130 के भाव में भी बेचते हैं दोस्तों तो 2.3 केजी के औसत में 200 चूजों का जो वेट है वो 460 किलो है। और अगर आप लोग 130 के भाव में भी बेचते हैं तो आपको कम से कम 59800 रुपये के आसपास लगभग आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो कॉस्ट था वो था 39050 रुपया। अगर उसमें से हम लोग 59800 को माइनस कर दें तो टोटल जो हमको प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों वो मिल रहा है 20750 रुपया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, आप लोग सिर्फ 200 चूजा पाल के थोक के हिसाब से 11,500 रुपया, या अगर आप लोग लोकल के हिसाब से बेचेंगे तो 20,000 के आसपास आराम से 30 से 35 से 40 दिन में कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा बिजनेस प्लान जो आप लोग कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं पूरा डिटेल बताया हूँ ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। जैसे चिक्स का जो प्राइस है वो समय के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है, फीड के कॉस्ट में तो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है लेकिन चिक्स के प्राइस में ऊपर नीचे अक्सर होते रहता है। और दूसरा जो बात है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को प्राइस बताया सेलिंग का, वो सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों वो भी
रोज के रोज ऊपर नीचे होते रहता है, तो उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फायदा कितना हो सकता है या फिर हमको नुकसान हो सकता है। बाकी दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित, बिजनेस से संबंधित मेरे चैनल में अक्सर वीडियोस अपलोड होते रहते हैं जो आप लोगों को बिजनेस में काफी हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा बिजनेस आइडिया और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले किसी वीडियो में, जहां पे आप लोगों को और अच्छा अच्छा बिजनेस ट्रिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो पोल्ट्री फार्मिंग से और अन्य फार्मिंग से संबंधित होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।